नमस्कार, मैं वरुण बाबुल सती बिहला की धरती नौगछिया से आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस पूजा समिति की ओर से। और हम सभी गर्व करें कि नौगछिया में हम लोगों का जन्म हुआ है, जो नौगछिया के लोग हैं। और अगर हम बिहार वासी हैं, अगर बिहार वासी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी गर्व की बात है कि हम सती बिहला की धरती पर हैं। ये लाइव वीडियो है जो आप लोगों के समक्ष है और हम बात कर रहे हैं। ये आप बैनर आपको दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको हम और भी दृश्य दिखाएंगे। निवेदन होगा कि फटाफट आप सभी वीडियो को शेयर कर दें। ये लाइव वीडियो है और हमारा प्रयास है कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचे। नौगछिया की जमीन से जुड़ी ऐतिहासिक बिहला बिशहरी पूजा समारोह 17 एवं 18 अगस्त पोस्ट ऑफिस के सामने बिहला चौक के पास आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। एक बोर्ड लगा हुआ है और अब हम चलेंगे तैयारी को दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज का एक लाइव वीडियो। मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो फुटेज बनता, रिकॉर्ड होता, फिर एडिटिंग होता तो वक्त लगता है। एक अनकट और अनएडिटेड है, कोई एडिटिंग नहीं है इसमें। और ये वर्क चल रहा है, हम हैं पोस्ट ऑफिस के सामने इस बिहला चौक के समीप और यहाँ तैयारी चल रही है। और आइए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। आप देखिए कि एक खूबसूरत सा गेट का निर्माण हो रहा है, पंडाल का कार्य चल रहा है। अंदर भी चलेंगे, मंदिर की तरफ भी चलेंगे, क्या क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। और अभी जो है ये तैयारी चल रही है। 17 एवं 18 अगस्त यानी कल और परसों, 2 दिन का यह आयोजन है बिहला बिशहरी पूजा का, जो लोक क्षेत्र का, अंगिका क्षेत्र का यह एक प्रमुख त्योहार है। और निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला पल होता है क्योंकि इसी नौगछिया की धरा की बेटी सती बिहला थी जिन्होंने अपने पति के प्राण तक वापस ले आए थे। और इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। देखिए अभी तैयारी चल रही है और हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये लाइव वीडियो है बिना एडिटिंग का। तैयारियां चल रही है, कल से पूजा आयोजन होना है। अगर सब लोग, सबों को नमस्कार और करेंगे अब आगे भी बातचीत। हमारे साथ मुकेश जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे जानेंगे। तब तक पहले आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही है। पंडाल बन रहा है खूबसूरत सा और इसके अलावा अंदर चलेंगे मंदिर की तरफ, वहाँ भी कल से आयोजन होना है। ये बनाया जा रहा है, तैयार हो रहा है। इसको मंजूषा को खोलिए, इसका बिहला बिशहरी पूजा समारोह। ये देखिए ये अंग क्षेत्र का जो गौरव है मंजूषा आर्ट, काफी बिहार का नाम रोशन किया है विश्व स्तर पर। और भी देखेंगे, और भी चलेंगे लाइव की तरफ। तैयारियां चल रही है और एक उमंग भरा त्योहार होता है, खास करके जब से सोशल मीडिया का समय आया है। अच्छा, आप लोग कहलगांव से हैं? अरे वाह, हमारा नानी घर हुआ। अच्छा अच्छा, आपका नानी घर हुआ, आप कहलगांव, क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन कुमार पोद्दार। अभिनंदन जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी सजावट का काम चल रहा है। अच्छा, और सजावट का काम कर रहे हैं जी। ये अपने से तैयार कर रहे हैं जी, अपने से। अच्छा, तो कल सामने देखिए। अभिनंदन जी, पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है, कैसा महसूस हो रहा है नौगछिया की धरती पर? ये तो पुराना पर्व है यहाँ का, और हमारा जब जन्म भी नहीं था तब से हमारे घर के सब लोग यहाँ थे। जब जन्म हुआ तो मुझे मालूम हुआ हमारे नानी घर में एक बहुत आनंदित पूजा, और मतलब इतनी बड़ी पूजा होती है बिशहरी पूजा जी। फिर हम लोग यहाँ शामिल होना शुरू किए और अब धीरे धीरे बहुत भव्य तरीके से होने लगा। अच्छा, हमारे साथ और भी हैं मुनि जी, पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है, कैसा लगता है जब यह त्योहार आता है आपके घर? तो मानो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा त्योहार होता है घर पर। इस त्योहार का बहुत दिन से इंतजार रहता है कि कब आए। के युवकों द्वारा अपने से तैयारी की जा रही है और ये सजावट की तैयारी हो रही है। मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर ये फुटेज बनता, एडिटिंग होता, अपलोड होता तो वक्त लगता। बिल्कुल आप लाइव देखिए, ये तैयारी चल रही है। हम हैं सती बिहला की धरा नौगछिया से लाइव और नौगछिया के पोस्ट ऑफिस के समीप के।
और ये देखिए हम चलते हैं मंदिर की ओर और तैयारियां भी प्रतिमा बन गई है, लेकिन उसको कल प्राण प्रतिष्ठा होगा ना, प्राण प्रतिष्ठा कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, अभी तैयारियां चल रही है। ये मंदिर है माता सती बिहुला की और ये गौरव का क्षण होता है जब बेटी अपने मायके आती है और वहाँ उनका स्वागत होता है, श्रृंगार होता है, अभिनंदन होता है, उनकी पूजा अर्चना होती है, आराधना होती है और इसके बाद विदाई होती है। तो निश्चित रूप से एक बेटी के लिए भी गौरव का क्षण होता है। हर एक बेटी चाहती है कि मायके से जब उसकी विदाई हो तो सारे लोग उसके साथ हो, और एक मायके का भी लोग चाहता है कि जब वो अपनी बेटी अपनी बहन को विदा करे तो सब लोग उसके साथ रहें। नौगछिया की धरा जो सती बिहुला की धरा कही जाती है या सती बिहुला की जन्मभूमि है, हम यहाँ से लाइव हैं और हम आपको लाइव में दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल तैयारी चल रही है, कल 17 और परसों 18 अगस्त को दो दिन का यह आयोजन है और ये सामने भी लगा हुआ है, ये अलग अलग जो प्रतिमा बिठाई जाती है उनके लिए ये उनका ये स्थान है, पूजन स्थान है, अलग अलग थीम पर है, प्रतिमा बन चुकी है लेकिन वह कल बिठाई जाएगी। आइए हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं, हमारे साथ मुकेश जी हैं और मुकेश आना है, मुकेश जी यहीं आ जाइए आप, बिल्कुल इसमें कोई, पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है। सबसे पहले तो आप बताएं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में पहले बताइए। सबसे पहले मैं GS न्यूज के पूरी टीम का और खास करके अपने भाई वरुण जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लगातार जो सती बिहुला की धरती को गौरवित कर रहते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है आप भी बढ़ चढ़ कर सती बिहुला का प्रचार प्रसार करते हैं, जो कि बेहद ही सराहनीय है। और ये पर्व नवोच्छा के लिए, हम लोगों के लिए नवोच्छा जिसका जन्मभूमि है उसके लिए गर्व की बात है कि सती बिहुला जैसी भगवान भगवती वो यहाँ नवोच्छा में जन्म ली, जिन्होंने कि भगवान शंकर की मानस पुत्री मनसा विषहरी पूजा दिलाया, जो कि बेहद हम लोगों के लिए बेहद ही गौरव की बात है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को उसका पूजा कर अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं समस्त आपके चैनल के माध्यम से समस्त नवोच्छा वासियों से अपील करता हूं कि आप लोग भी इस पूजा समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कल परसों दो दिन का ये मेला होता है, जिस समय आप लोगों को भी समय हो तो आप एक बार जरूर दर्शन के लिए आवे, क्योंकि यह आप नवोच्छा के लिए ऐतिहासिक पूजा है, नवोच्छा के लिए गर्व की बात है बिहुला विषहरी का पूजा। मुकेश जी कितने दिन से यहाँ आपके आवास पर पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है? हमारे यहाँ लगभग पहले छोटे से घर में होते थे, फिर 17 वर्षों से इसको मतलब बाहर विस्तार रूप से किया जा रहा है। क्या बात, तो यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं? जी सभी तरह के लोग आते हैं। कल प्रतिमा बिठाई जाएगी, जो पूजन सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर कल शाम में यहाँ बारा लखेंदर और बिहुला का शादी, बारा लखेंदर का बरात भ्रमण। इसके अलावे पहली बार कलकत्ता की जो है एक मधुसा ग्रुप है उसके द्वारा नाग कन्या का जो है वो मंचन किया जाएगा, नाटक मंचन होगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मंजूषा गुरु के नाम से विख्यात मनोज पंडित जी की जो सांस्कृतिक परिषद है उसके बैनर तले यहाँ 1 घंटे का लगभग बिहुला विषहरी पर आधारित नाटक का प्रसारण किया जाएगा, जो कि पहली बार इस नवोच्छा में हो रहा है। इससे पहले नवोच्छा महोत्सव एक बार हम लोगों को मौका मिला था देखने का, लेकिन इस तरह के ऐसा आयोजन नवोच्छा में पहली बार होगा, जिसमें मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी एक बार अवश्य आए और हम लोगों का हौसला बढ़ाएं, हम लोगों का सहयोग करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। निश्चित रूप से मुकेश जी, मतलब कैसा माहौल होता है जब ये सती बिहुला पूजा आता है? तो देखिए बहुत ही आनंदित वाला पल होता है। हम लोग के यहाँ तो घर में 1 महीना से बिहुला जी के गीत गाए जाते हैं और उसके बाद 2 साल हम लोग कोरोना के कारण पूरी सादगी से जैसा सरकार का प्रोटोकॉल था उस तरह मनाए, इस तरह 2 साल के बाद फिर से उत्साहित होकर पूरा आनंदित होकर भव्य रूप से मनाने का मौका मिला है, जिसमें सभी नगरवासियों का सहयोग भी मिला है, खास करके हमारे जो है सहयोगीगण, हमारे कौशल जी, हमारे अजय कुशवाहा जी, मनीष भगत जी, विष्णु जी और भी जो है सलीम जी, अनीश यादव जी, रमेश जी और जितने भी हमारे सहयोगी हैं सबका भी सहयोग रहता है, पंकज जी,
बाबू साहब जी सबका सहयोग भरपूर रहता है, आस पड़ोस के समाज के लोगों का भी सहयोग रहता है, खास करके मीडिया बंधुओं का भी सहयोग रहता है। मीडिया बंधुओं का सहयोग से ही आज मंजूषा पेंटिंग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जिसमें कि मीडिया का हम योगदान है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने नवोच्चा से जुड़ी मंजूषा पेंटिंग को आज विश्व पटल पर ये आ गई, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। उसके अलावा और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम पांच भाई हैं, संजोग से हमारी बहन नहीं है, लेकिन जब बिहला जी की हर साल यहाँ जब शादी होती है तो ये कमी अब लगती है कि नहीं, हाँ भाई एक बिहला की भाई शादी हो रही है हमारे घर में, हो रही है, उसकी विदाई होती है या जो भी होती है, उसमें हम लोग पूरा परिवार उत्साहित होकर लगे रहते हैं। धन्यवाद मुकेश जी। एक चीज बस जानकारी देते हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, कल कितने बजे से आयोजन होगा और नाटक का मंचन यानी उसकी प्रस्तुति का क्या समय होगा? जी, पूजा जो है 10 बजे से शुरू हो जाएगी सुबह, और लगभग 1 बजे तक में पूजा का पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर जो कलकत्ता के ग्रुप है उसका कार्यक्रम लगभग 5 बजे से शुरू हो जाएगा, और जो हमारे मंजूषा गुरु मनोज पंडित जी का कार्यक्रम है वो लगभग 7 से 8 के बीच उनका कार्यक्रम होना है। फिर एक शिव तांडव नृत्य जो नवोच्चा की ही एक छात्रा करेगी, और इस संध्या में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा परसों का जो है, परसों संध्या 4-5 बजे से यहाँ विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा, जो नगर में भ्रमण करते हुए विसर्जन किया जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और निश्चित रूप से हम और दिखाते हैं आपको, बाहर की स्थिति भी दिखाते हैं। एक बहुत ही गौरव का क्षण होता है जब एक बेटी अपने मायके आती है, शायद मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ही ऐसा नहीं लगता, आपको भी लगता होगा, और ये महसूस करने की चीज होती है कि जब एक बेटी मायके आती है एक शादी के बाद तो कैसा माहौल होता है। जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि उनकी बहन नहीं है, लेकिन जब सती बिहला पूजा आता है, शादी विवाह होता है, विदाई का वक्त होता है, तो वो उनको भी ऐसा लगता है कि जैसे घर में बेटी विदा होती है। मैंने पहले ही कहा और मैं फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि सती बिहला को आगे बढ़ाने में जितने भी लोगों ने, इस पूजा परंपरा को आगे बढ़ाने में जितने भी लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेहनत किया है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। आज मंजूषा, आज सती बिहला का स्थान विश्व पटल पर है, निश्चित रूप से आगे भी होगा, और एक राजकीय त्योहार के रूप में इसे निश्चित रूप से इसकी घोषणा होगी। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा भी पूर्व में भी छुट्टी की भी घोषणा की गई है, इस त्यौहार को मनाने के लिए विशेष एहतियातन भी बरती जाती है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समय और लगेगा, लेकिन एक निश्चित बेहतर परिणाम आएगा। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताएंगे, और इसके अलावा हम फिर आपको दिखाएंगे लाइव में कि किस तरह आयोजन हो रहा है। अभी तो ये तैयारी चल रही है, आपको दिख रहा होगा कि ये पंडाल बन रहा है, पंडाल बनाने का कार्य चल रहा है, अंदर सजावट हो रही है, सभी आपस में तैयारी में लगे हुए हैं, बच्चे लोग भी अपना आनंद मना रहे हैं कि आखिर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो निश्चित रूप से कल और परसों 2 दिन आयोजन है, नवगछिया के पोस्ट ऑफिस के समीप, बाल भारती स्कूल के समीप, बिहला चौक पर स्थित इस बिहला विषहरी मंदिर में आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जरूर आएं, क्योंकि एक बेटी को उसके मायके से प्यारा और कुछ नहीं होता है, मेरा मानना है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएंगे, और अभी दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। चलिए हम अपना चेहरा भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बहुतों को लगा रहता है कि अगर आप फील्ड में भी रहते हैं तो दिखना चाहिए, तो मैं आपको बिना माइक का, बिना वायरलेस वायर, बिना माइक का मैं आपको दिखा रहा था। कैसा लगा जरूर बताइएगा, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को अंग क्षेत्र के मशहूर त्योहार, लोकप्रिय त्योहार सती बिहला पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।